अंबेडकर नगर में इमाम बाड़े में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 8 फरवरी की बताई जा रही घटना। कौशाम्बी में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से हादसा, 2 मजदूर मलबे में दबकर हुए। औरैया में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान में लगी आग, मकान में ही व्यापारी ने बना रखा था गोदाम। बलिया में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर के पनकी थाना में युवक और युवती का फंदे से लटकता शव मिलने से हड़कंप, गुरुवार रात युवक से मिलने आई थी। आगरा के जगदीशपुरा में शिक्षिका के घर लाखों की चोरी, शिक्षिका और उसके पति गए थे हॉस्पिटल, मौके का फायदा उठाकर 8 लाख के जेवरात, 50,000 पर हादसा। मथुरा के वृंदावन में फिर से चली गोली, पति पत्नी पर युवक ने किया जानलेवा हमला। श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, ब्लाइंड मर्डर और चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। मां बेटी की जलकर मौत के मामले में गठित एसआईटी ने कानपुर देहात में डाला डेरा, एसआईटी ने की पीड़ित परिवार से मिला। लखनऊ के सरोजनी नगर में मेडिकल की छात्रा का 9वीं मंजिल से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, छात्रा सरोजनी नगर के अमोसी स्थित टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में कर रही थी पढ़ाई। बस्ती में 200 रुपए के चक्कर में चाचा ने भतीजे को चाकू घोंपकर मार डाला, शराब के नशे में पैसे के लेन देन में हुआ था झगड़ा। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 20 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 2 महिला नेताओं के सपा से निष्कासन के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, कहा जो भाजपा में आकर समाज सेवा करना चाहते हैं उनका स्वागत। फिरोजाबाद के सिरसागंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दवा लेने आई महिला से जमीन पर बैठकर डिप्टी सीएम ने पूछा हाल। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, अनिल राजभर ने प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों का भी बताया। यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर लगे गंभीर आरोप, फतेहपुर में राकेश सचान को आवंटित हुए थे 2 फॉर्म के 72 प्लांट्स। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री राकेश सचान ने दी सफाई, कहा उनकी संस्थाओं को आवंटित हुए थे प्लॉट। उत्तराखंड में फिर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी अग्निवीरों की भर्ती। उत्तराखंड भर्ती विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री, विधानसभा से बर्खास्त 288 कर्मचारियों की बहाली की मांग। सीतापुर के रसूलपुर गन्ना सेंटर पर किसानों ने बंद करवाई तोल, ठेकेदार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। सुल्तानपुर में सरकारी बिल्डिंग में घटिया निर्माण का लगा आरोप, नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार करवा रहे एनएम सेंटर का निर्माण। हमीरपुर में धोती कुर्ते में खेला गया क्रिकेट, संस्कृत में की गई मैच की कमेंट्री। बहराइच की जामा मस्जिद में दस्तार बंदी कार्यक्रम, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बदनी ने की शिरकत। वाराणसी में स्कूल में बुर्का उतारने के बाद ही छात्राओं को एग्जाम देने की इजाजत, वाराणसी के क्वींस कॉलेज सेंटर का मामला, नकल विहीन परीक्षा के लिए दिए गए हैं कड़े निर्देश। इटावा जिलाधिकारी से मिले ठगी के शिकार सैकड़ों लोग, चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी के शिकार लोगों ने की न्याय की मांग। पीलीभीत में बारात घर में आयोजित भजन कीर्तन के नाम पर कराया जा रहा धर्मांतरण, मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। लखनऊ पहुंची अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने सीएम योगी की फिल्म नीति और उनके काम को जमकर सराहा, एबीपी गंगा के साथ बातचीत में रकुल ने कहा यूपी सरकार अच्छा काम कर। बुलंदशहर में कांवड़ लेने के लिए आए 2 श्रद्धालु गंगा में डूबे, एक को सकुशल बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने खुद को बताया टीपू सुल्तान का फॉलोअर, वीडियो वायरल होने के बाद दानिश ने गोडसे को बताया देश का पहला आतंकवाद। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कराया जा रहा है बेहतर काम। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं से बढ़ रहा है ड्रोन का इस्तेमाल और ऋषिकेश एम्स से टिहरी भेजी गई दवा। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में ड्रोन के जरिए दवा सप्लाई का काम शुरू, एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा सरकार देश के नामाचीन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कर रही है काम। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का रुड़की दौरा, तहसील का सुशील कुमार ने किया निरीक्षण। रुड़की में धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की उठ रही है मांग, स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कोचिंग सेंटर्स की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। नबीबाबाद कोटद्वार सड़क पर काम जल्द हो सकता है शुरू, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। पौड़ी में महाशिवरात्रि के पर्व पर उमड़ सकता है श्रद्धालुओं का हुजूम, नीलकंठ महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भारी पुलिस बल की तैनाती की। धामी सरकार के फैसले का अल्मोड़ा वासियों ने किया स्वागत, पुराने स्वरूप में लौटेगा पटाल बाजार, कोटा के पत्थर लगाने पर लोगों की नाराजगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग, 16 से शुरू होगी परीक्षा।
हल्द्वानी में गर्मी का सीजन शुरू होते ही बढ़ी पेयजल की किल्लत, जनता दरबार में पानी की सप्लाई की शिकायतों का लगा अंबार। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी बनी प्रशासन की चुनौती, फूलों की घाटी में गश्त पर गई टीम घांघरिया से वापस। औली में आईटीबीपी की अंतरवाहिनी स्कीइंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, बर्फ से ढकी औली की पहाड़ियां दिख रही है बेहद खूबसूरत। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ध्वस्तीकरण का काम अंतिम चरण में, एक या दो दिन में ध्वस्तीकरण का काम होगा। उत्तराखंड पलायन आयोग में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है सर्वे का काम, आयोग में फिलहाल सिर्फ दो कर्मचारी। हरियाणा के भिवानी में कार के अंदर मिले दो लोगों के जले हुए शव, ओवैसी ने गौरक्षकों पर लगाया हत्या का। राजस्थान के अजमेर में आग का तांडव, हाईवे पर तीन गाड़ियों की टक्कर के बाद भड़की आग, तीन लोगों की मौत, कई दुकानें और मकान जल गए। एमपी के छिंदवाड़ा में वैलेंटाइन डे पर कपल के जानलेवा स्टंट पर कार्रवाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी। दिल्ली के भजनपुरा में पार्किंग को लेकर बवाल, दो पक्षों में तीखी बहस के बाद चली गोली। गुजरात में अमरेली के गांव में शेरों की दिखी फौज, गांव में घूमते दिखे 8 शेर, शेरों का सीसीटीवी फुटेज वायरल। रेलवे और पोस्टल विभाग की योजना के तहत पहली गतिशक्ति कार्गो ट्रेन की शुरुआत, पोस्ट ऑफिस से होगी माल भेजने की। छतरपुर में बाबा धाम पहुंचे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, कहा भारत हिंदू राष्ट्र की है। पंजाब के अमृतसर से 100 हिंदुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना, हर साल पाकिस्तान के कटास राज मंदिर जाते हैं श्रद्धालु। कर्नाटक के कलबुर्गी में शिवरात्रि से पहले पुलिस का रूट मार्च, आलंद शहर में सुरक्षा कड़ी। शिवरात्रि से पहले नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया, भारत के 2500 संत भी पहुंच रहे। आंध्र प्रदेश में भाजपा को झटका, राज्य में सपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण ने छोड़ी पार्टी। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कहा कि 50 साल में यहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। रामचरित मानस पर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब मोर्चा खोलने वाली रोली मिश्रा और ऋचा सिंह ने खुद पर हुई निष्कासन की कार्रवाई के बाद अब सीधे सीधे सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा से निकाली गई ऋचा सिंह ने अपने निष्कासन को जाति और लिंग के आधार पर हुई एक तरफा कार्रवाई बताया है। ट्विटर से राजनीति की गई, मेरे साथ ट्विटर से राजनीति करने का प्रयास किया गया और ट्विटर पे एक नोटिस जारी कर दी गई, लेकिन मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूँ। रोली तिवारी मिश्रा ने भी पार्टी से निकाले जाने के बाद सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। मैं तो यही शेर कहूंगी कि वही कातिल है, वही मुंसिफ है, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूंगी। रोली तिवारी मिश्रा ने कहा कि रामचरित मानस पर सवाल और सवर्णों के खिलाफ बयानबाजी करके स्वामी प्रसाद मौर्य समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इसका समर्थन करना अखिलेश यादव के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कृत्य उचित नहीं है, तो उसके फलस्वरूप उनको महासचिव बना दिया जाता है, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। वहीं ऋचा सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी के कई और नेताओं ने स्वामी प्रसाद के बयानों का विरोध किया था, लेकिन निशाना सिर्फ दो महिला कार्यकर्ताओं को बनाया गया। 1992 में जो किया गया था वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आखिर उसको कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य मिटाएंगे। सपा ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा के निष्कासन के लिए अनुशासनहीनता का हवाला दे रही है और अपनी ही पूर्व महिला नेताओं की भूमिका पर सवाल भी खड़े कर रही है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेताओं की गतिविधियां लंबे वक्त से अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ थी, ऐसे में दोनों पर कार्रवाई तो तय ही थी। अगर हमारे पार्टी के नेताओं की बोली भाषा सोच भाजपा के नेताओं से मिल रही है तो ये निष्कासन होना ही था, किस दिन हो जाए सवाल ये था। सपा से निष्कासित होने के बाद ऋचा सिंह और रोली मिश्रा ने आरोप लगाया था कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिससे साफ है कि सपा में अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है। लेकिन सपा ने कहा है कि दोनों नेता भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगी थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। निष्कासन के बाद भले ही पूरी सपा ने ऋचा सिंह और रोली मिश्रा से किनारा कर लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर दूसरे दलों की महिला नेता ऋचा सिंह और रोली मिश्रा के साथ खड़ी हुई हैं। की पार्टी में जो भी महिला बोलना चाहेगी, महिलाओं को अगर आप हक नहीं दे सकते तो फिर कैसे हिस्सेदारी। शिवपाल यादव सीतापुर में एक शादी समारोह में गए थे, लेकिन मीडिया के कैमरों से वो बचते नजर आए। बार बार सवाल किए जाने पर भी शिवपाल यादव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। देश और प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले शिवपाल सिंह यादव सीतापुर में एक शादी समारोह में पहुंचे तो मीडिया का कैमरा और माइक भी साथ था। उम्मीद थी कि शिवपाल दो महिला नेताओं के सपा से निकाले जाने पर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो खामोश रहे। शिवपाल जी, शिवपाल जी, एक शिवपाल जी,
मीडिया ने देश प्रदेश के मुद्दों पर भी सवाल किया, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर भी शिवपाल खामोश रहे। शिवपाल जी एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौर ने उनसे बात करनी चाही तो वो माइक हटाते रहे और सवाल लेने से बचते रहे। शिवपाल सिंह यादव ने एबीपी गंगा के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शिवपाल की चुप्पी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गाजीपुर में भी एक शादी समारोह में शामिल होने वो गए थे, लेकिन तमाम मुद्दों पर माइक हाथों में थाम कर जवाब भी दिया था और सरकार पर हमलावर भी हुए थे, तो सीतापुर में चुप्पी क्यों? देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन मायावती के ट्वीट ने अब इसे और गर्मा दिया। दरअसल पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने पलटवार किया और सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को गलत करार दिया। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। हिंदू राष्ट्र पर हक की लड़ाई में अब मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तीखा तंज कसा है और लिखा कि चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा है। हिंदू राष्ट्र पर तमाम सियासी दलों के बयान राजनीतिक दांव हैं, जिसके जरिए यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा रही है। लगातार दूसरी बार विधायकी गंवाने के बाद अब्दुल्ला अंसारी ने अब उनके पिता आजम खान की तरह की वोट डालने का अधिकार भी छिन सकता है। मुरादाबाद के झजलेट बवाल में सजा पाने वाले अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सजा के बाद विधायकी गंवाने वाले अब्दुल्ला आजम के वोट डालने पर भी पाबंदी लग सकती है। का कहना है कि जिस तरह से आजम खान का वोटिंग राइट खत्म हुआ है, उसी तरह से अब्दुल्ला आजम का वोटिंग राइट भी समाप्त हो जाना चाहिए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट पर रोक लगाने की मांग की है। की धारा 16 के अंतर्गत इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। वहीं अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने पर रामपुर की आम जनता की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग अब्दुल्ला आजम को मिली सजा से खुश हैं, तो कुछ लोग अब भी आजम परिवार के समर्थन में हैं। अगर कानूनन है तो खत्म हो जाए, तो कानूनन नहीं है तो ये किसी के संग जाति नहीं करना चाहिए। जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट, जो भी फैसला होगा वो हमें मान्यता होगा। अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट खत्म करने को लेकर रामपुर के लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि अदालती मामला है, इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मैदानी इलाकों में भले ही मौसम का मिजाज अब गर्म होने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है और इसीलिए हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सितारे बरस रहे हों। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। हालांकि ये बर्फबारी वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फूलों की घाटी के गश्त पर गई टीम को हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव खांघरिया से वापस लौटना पड़ा। टीम फूलों की घाटी में वन्य जीवों की गतिविधि, वन तस्करी पर नजर रखने के लिए फूलों की घाटी रवाना हुई थी। हर साल वन विभाग शीतकाल में नियमित गश्त करके वन्य जीवों और वन तस्करों पर निगरानी रखने के लिए नियमित गश्त और ट्रैप कैमरे से कड़ी निगरानी रखता है। इधर औली में स्कीइंग ट्रैक पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। औली सफेद बर्फ की चादर में चमक रहा है। हालांकि औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द हो गई है, लेकिन इन दिनों औली की वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं। चारों ओर बर्फीली ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ के नजारे और ज्यादा सुंदर हो गए हैं, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुँच रहे हैं। चित्रकूट जेल से कासगंज जेल भेजे गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा सताने लगा। अब्बास अंसारी को गैर कानूनी तरीके से अपनी चित्रकूट जेल में पत्नी निखत अंसारी से मिलने के आरोपों के बाद चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन दो दिन में अब्बास को कासगंज जेल के अंदर हमले का डर सताने लगा है।
कासगंज जेल में खुद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और साथ ही साथ कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर अब्बास अंसारी ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी हुई है। अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा इसलिए सता रहा है क्योंकि कासगंज जेल में कई कुख्यात अपराधी पहले से ही बंद है, जिनमें एक का नाम है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, जो आजमगढ़ के D11 गैंग का मुखिया है। मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसी वजह से अब्बास अंसारी को इस बात का डर है कि जेल में रहते हुए कुंटू सिंह कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला करा सकता है। इसीलिए कासगंज जेल में सुरक्षा बढ़ाने और दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए अब्बास अंसारी जल्द ही अदालत की शरण में जाने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या उसकी अर्जी के आधार पर हाईकोर्ट जेल बदले जाने का आदेश देता है या नहीं देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उनके गरिमा में पहले सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने दोनों महापुरुषों के स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को याद किया, कहा कि स्थापित प्रतिमा वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। महाराणा प्रताप के नाम पर इस चौक का नामकरण करने, इस भव्य प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के पराक्रम के बारे में भी बताया। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था। सीएम योगी ने महाराजा खेत सिंह खंगाल की वीरता और शौर्य को भी याद किया। खेत सिंह खंगाल एक नौजवान जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी बनकर के उनके हर उस युद्ध में सहभागी बना था। जाहिर है महापुरुषों के स्मारक न सिर्फ आस्था श्रद्धा सम्मान के प्रतीक होते हैं, बल्कि इसके जरिए सियासत भी अपनी सहूलियत बखूबी समझती है। ऑपरेशन दोस्त को सफल बनाकर तुर्की से भारत लौटे एनडीआरएफ के जवानों का हिंडन एयरबेस पर आला अधिकारियों ने जोरदार स्वागत। आंदा में कलिंजर महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने पिछले दिनों लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे समिट प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आएगा। बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है, उद्योग जब यहाँ पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास के रोडमैप को बताने के साथ ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने का प्लान भी बता दिया। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गर्जेंगी पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। दरअसल बुंदेलखंड में बदलाव की नई बयार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकार इसे उद्योग और पर्यटन का हब बनाने में लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही इस क्षेत्र से हवाई सेवा, डिफेंस कॉरिडोर, रामायण सर्किट, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास बुंदेलखंड को जाहिर तौर पर नई पहचान दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।